everyone, today we are going to solve worksheet number 2 of unit 1 of your class 4. ये class 4 का mathematics है जिसमें हम worksheet number 2 आज करने वाले हैं. Question number worksheet number 2 में question 1 है, read loudly the following numerals. ये जो numerals हमें दिए हुए हैं इनको हमें read करना है. तो हम read किस तरह से करेंगे, पहले तो हम इसका place जान लें, उसके बाद हम read कर पाएंगे ये क्या number है. तो ये है 1s, 10s, 100, 1000, 10,000. This is 20,000. 1s, 10s, 100, 1000, 10,000. ऐसे मन में कैलकुलेट कर लो, उसके बाद में नंबर को रीड करो. 33,108, 9,62,000, 77,010, 77,001, 10s, 100,000, 10,000, lakh. मन में कैलकुलेट करिए, इसका प्लेस को जानिए मन में, उसके बाद में नंबर को रीड कीजिए. 3,82,910, 95,766, 8,10,000, 9,43,256, 88,288. Now let's move to question number 2. Yes, so let us see question number 2 now. Question number 2 is, write the number names for the given numerals. Numerals are given to us and we have to write the number names. इसका हमें number name लिखना है, यानी कि हमें इन्हें spellings में लिखना है कि इनकी spellings क्या होगी. ठीक है, तो पहला वाला number देखिए. Suppose कि you find it difficult or you find it boring or you find it like ये तो मुझे आता ही नहीं है. अगर इस तरह का लगता है कि बहुत difficult है, ये बहुत hard है. हाँ, हार्ड इज़ नॉट द करेक्ट वर्ड, डिफिकल्ट इज़ द करेक्ट वर्ड. इफ़ यू फाइंड कि ये बहुत डिफिकल्ट है, ये मैं नहीं कर पाता हूँ या मैं नहीं कर पाती हूँ, तो आई टेल यू द ईजिएस्ट वे टू राइट द नंबर नेम. नंबर नेम लिखने का ईजिएस्ट वे क्या है, जिससे कि आपका कभी भी गलत नहीं होगा. नेवर यू विल गो रॉन्ग, नेवर, दैट इज़ फॉर श्योर. लेट्स सी द नंबर एंड राइट द प्लेस ऑफ इट. वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000. When you write the number name of any numeral given to you, you will never go wrong in writing the when you write the place of any given number, you will never go wrong in writing the number name of that numbers. Now let's write the spelling. अब spelling तो आपको याद करनी चाहिए. अगर आप spelling याद नहीं करेंगे तो obviously 1000 की spelling में आप mistake करेंगे. So you have to be careful and you have to learn the spellings properly. Now let's write it. It is 25,002. Let's write TWENTY 20 FIVE 5. अब ये spelling को याद करने का कोई alternate तरीका नहीं है. Spelling तो आपको याद करनी ही पड़ेगी. अगर आप ऐसे याद नहीं करेंगे तो वो आपको याद करने का कोई ट्रिक नहीं है. देर इज़ नो ट्रिक फॉर दैट. कोई ईजी मेथड नहीं है, कोई ईजी वे आउट नहीं है. ओके, यू हैव टू लर्न इट. एंड लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं. आजकल जो नई टेक्स्ट बुक्स आई है उसमें एंड नहीं लिखा होता. ठीक है, 2002. और अगर आप एंड लिखते भी हैं तो वो गलत नहीं है, वो सही है, बट न्यू टेक्स्ट बुक के हिसाब से एंड नहीं होता है. ठीक है ना, क्योंकि हमें नंबर का यहाँ पे नाम लिखना है, तो नंबर के नाम, नंबर में एंड है नहीं, तो फिर हम नंबर नेम में एंड क्यों लगाते हैं. है, ये यही रीज़न है कि अब न्यू टेक्स्ट बुक्स में एंड नहीं आता. नाउ सी दिस नंबर, चलिए इसमें जो हम लिख लेते हैं, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000 एंड लाख. ये क्या नंबर है, ये है 8 लाख और बाकी तो सारे जीरोस हैं, तो 8 लाख इज द नंबर. EIGHT 8 LAKH लाख. 8 वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000. अब ये 10,000 आया, तो देखिए ये कौन सा नंबर होगा, 51,008. व्हाट यू विल राइट, 51,008. 51,000, 51,008. Now let's write D number. D number देखते हैं. D number में क्या number है हमारा. Now let's write the place of it. Ones, tens, hundred, thousand, 10,000 and lakh. ठीक है,
अच्छा लिखना क्यों है? ऐसे तो हम रीड करके भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ जो एवरेज बच्चे होते हैं, कुछ बिलो एवरेज जो बच्चे होते हैं ना, उनको पढ़ने के बाद भी ना वो याद नहीं रहता है कि अरे ये वाला कौन सा प्लेस था, ये मैंने अभी कौन सा प्लेस पढ़ा है। तो उसके लिए बेटर वे है कि आप लिख लीजिए, वो लिखा हुआ रहेगा आपके सामने रहेगा, यू फिर यू विल राइट विद पेंसिल, पेंसिल से उसको आप लिख लीजिए। नंबर नेम लिखने के बाद में उसको जो पेंसिल से लिखा हुआ उसको इरेज कर दो, आंसर भी आपका करेक्ट होगा और गलत तो आपका होगा ही नहीं, और है कि आपको इजी मेथड से आपको वो पता भी चल जाएगा और अपने आप में कॉन्फिडेंट आएगा कि नहीं हम नंबर नेम्स को हम आराम से कर सकते हैं, ठीक है ना। चल ना यू विल थैंक मी इन द कमेंट सेक्शन इफ यू फाइंड इट यूजफुल। ना सी द नंबर इज 5,21,000, सॉरी स्मॉल लेटर होंगे सारे, ठीक है, ये भूल गए, 5,21,381 is the number name of it. Now see this one, 1s, 10s, 100, 1000, 1000, lakh, 9 lakh 9. 9,09,000. अब यहाँ पर ऊपर के चार क्वेश्चंस में मैंने आपको ट्रिक बता दिया, वो मेथड बता दिया, ये ट्रिक नहीं है, ये एक मेथड है जो इजी वे मेथड है जिसको कि हम यूज कर सकते हैं नंबर नेम लिखने के लिए, ठीक है ना। तो ये हो गया, अब मैं यहाँ पर प्लेस नहीं लिखूंगी इनके, मैं डायरेक्टली नंबर नेम लिख रही हूँ। सी यहाँ 1s, 10s, 100, 1000, तो ये होगा आपका 1100। द स्टूडेंट दोज हु आर स्मार्ट देयर ब्रेन्स आर शार्प, उनके लिए तो सारी चीज़ें ईजी लगती है, दे फाइंड एवरीथिंग ईजी एंड स्मूथ गोइंग, बट जो बच्चे एवरेज होते हैं, बिलो एवरेज होते हैं, उनको थोड़ा सा टाइम लगता है और उनको थोड़ा सा ईजी मेथड चाहिए होता है कोई चीज़ को सॉल्व करने के लिए, तो उनके लिए भी मैथ्स इंटरेस्टिंग हो जाता है एंड दे आर एबल टू स्कोर गुड मार्क्स इन द एग्जाम। 1100। Now see this one, ये क्या है? 1s, 10s, 100, 1000, 10,000 lakh. 1 lakh. 11,000. 100. 1,11,100, ठीक है, इतना हो गया हमारा। इसके बाद हमारे पास और तीन नंबर्स हैं, और तीन नंबर्स कौन से हैं? एच आई जे है हमारे पास, एच आई जे और है। आई हैव केप्ट माई बुक देयर सो आई एम लुकिंग डाउन एवरी टाइम। नाउ लेट मी इरेज दिस। अगर कंप्लीट नहीं होता है, इफ यू आर नॉट एबल टू कोप अप विद माई स्पीड, देन पॉज द वीडियो एंड राइट, पॉज करो राइट करो, पॉज करो राइटिंग करो, और अगर आप एक बार सुन लेंगे ना, समझ में आ जाएगी चीज़ें, तो फिर आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आर यू विल ईजिली राइट इट, ठीक है, यू कैन डू इट योर सेल्फ। और मेन मोटो हमारा यही होता है ना कि बच्चे खुद से कर सकें, मेन मोटो ऑफ टीचिंग यही है कि बच्चे खुद से लिख सकें, खुद से सॉल्व कर सकें, ये मेन मोटो है। तो अगर आप खुद से लिख पाएंगे तो फिर इससे और अच्छी बात क्या हो सकती है। एक बार अगर आपको ट्रिक समझ, वो मेथड समझ में आ जाए कि कैसे लिखना है, क्या लिखना है, वो समझने के बाद में आप खुद ही लिख सकते हैं। अच्छा एच में क्या होगा? 1s, 10s, 100, 1000, 10,000 lakh, दिस इज 6 lakh, 6,25,000, लाख के बाद तो फिर 10,000 है और यहाँ पे 1000 है, तो फिर वो 25,000 हो जाएगा, है ना, 25,000। और आगे कोई नंबर नहीं है तो 100, 10s और 1s के लिए हम कोई नंबर नहीं लिखेंगे, बिकॉज देर इज नो नंबर, वहाँ पर कोई नंबर है नहीं, तो फिर हमें वहाँ पर लिखना नहीं है। बाकी ये जो दो नंबर है ना, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि इसका आंसर क्या होने वाला है। ओके, नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 इज, हियर नंबर नेम्स आर गिवन टू अस एंड वी हैव टू राइट द न्यूमरल्स। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या था कि वहाँ पर न्यूमरल्स दिए हुए थे, हमें नंबर नेम लिखना था। अब यहाँ पर नंबर नेम दिया हुआ है, हमें न्यूमरल्स को लिखना, तो हम क्या करेंगे, हम वही वाला मेथड यूज़ करेंगे, पहले प्लेस वैल्यू लिखना है,
प्लेस लिखने के बाद में फिर हमें वहां पर नंबर्स बैठाने हैं ताकि हमारा जो न्यूमरल राइटिंग हो वो गलत ना हो जाए नंबर नेम के अकॉर्डिंग. देखिए फर्स्ट वाला हम कैसे करने वाले हैं, 15,465. हाँ तो हम 1,000 वाले तक जाएंगे, नरेश 10,000 तक जाएंगे, क्योंकि ये 15,000 है ना. 15,000 मतलब कि 10,000 और 5,000 होता है, तो हम 10,000, 1,000, 10s, 1s ये लिख दिया हमने. अब हमें नंबर्स इसमें बैठाना है. 15,000 है तो ये हो गया आपका 15,000, sorry, 1, अच्छे से नहीं दिखाया, 15,465 ना, तो 465 इस तरह से आप लिख सकते हैं. ये तरीका है लिखने का. ये आप रफ में कर लीजिए साइड में कि हाँ इस तरह से होगा नंबर, और उसके बाद में आंसर आप लिख दीजिए 15465. दिस इज योर आंसर. एक बार जब आप उसको रफ में कैलकुलेट कर लेते हैं, रफ में एक प्रॉपर वे से लिख लेते हैं कि इस तरह से लिखना है, तो फिर आप उसको फिर आंसर में लिख दीजिए कि ये आपका आंसर है. यहाँ पर तो थोड़ा थोड़ा स्पेस रहेगा बिकॉज यू आर राइटिंग प्लेस हियर. तो ये हम रफ वर्क में कर सकते हैं ताकि अंडरस्टैंडिंग, फॉर आर अंडरस्टैंडिंग पर्पज. हाँ लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर टू नाउ. क्वेश्चन नंबर टू इज 19,314. कितना है 14. चलो क्या लिखेंगे यहाँ पे फिर 10,000. मैं रफ वर्क थोड़ा साइड में करती हूँ, यहाँ पर यहाँ हम आंसर लिख देंगे. ठीक है चलो यहाँ रफ वर्क कर लेते हैं. तो ये हो गया आपका 10,000, 1,000, 100, 10s and 1s. ठीक है ये नंबर है हमारा, ये नंबर हमारा है. अब हमें क्या करना है, 19,000 के लिए ये हो गया 19,300, तो 314. तो हम आंसर में क्या लिखेंगे, 19314 इज अवर आंसर. इट इज 1s, 10s, 100s, 1000, 10,000, 19,314. उसके बाद सी में हमारा 5 lakh है, तो हमें यहाँ पर क्या करना है, लैख 10,000, 1,000, 10s, 1s. ठीक है अब हम क्या करेंगे, 5 lakh, तो लैख की जगह 5 लिख दो और बाकी सब में 0, क्योंकि बाकी तो कुछ नंबर कहा ही नहीं है. तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर इज 5 and 5 zeros. क्या होगा, 5 and 5 zeros, 5 lakh. ठीक है दिस इज द आंसर. नाउ फॉर 47, F O R 4, F O U R 4, ये 14 है ये 40 है. 47,002 कितना है, 47,000 और 2 यानी कि 100 और 10s के प्लेस में कुछ भी नहीं है, 2. 47,002 इज द, दिस इज द आंसर. नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 इज नेम द 6 प्लेसेस ऑफ अ 6 डिजिट्स नंबर. एक 6 डिजिट नंबर का 6 प्लेसेस कौन कौन सा है ये हमें बताना है. हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पर एक कोई भी एक 6 डिजिट नंबर, तो सबसे स्मॉलेस्ट वाला लिख लेते हैं. सबसे स्मॉलेस्ट है 1, है ना 1, और उसके बाद में 5 0 लगा देंगे, सबसे स्मॉलेस्ट हो जाएगा ये. अब इसके आप प्लेसेस देखिए, ये है 1s, ये है 10s, ये है 100, ये है 1000, दिस इज 10,000 एंड दिस इज लैख, 6 डिजिट. हाँ तो हम हमारा आंसर यहाँ पर क्या होगा, सिक्स प्लेसेस, the sixth place of a six digit number are what, are what, are lakh, 10,000, 1,000, 10s and 1s. ये जो places हैं, ये places हमारे six digit number की है, वो है lakhs, 10,000s, 1,000s, 10s and 1s. They are in 6 in numbers. आप फिंगर में भी काउंट करके देखिए तो दे विल बी 6 in numbers. Now see the last question of this worksheet. Last question में क्या कहा है कि हमें greatest 5 digit number और smallest 6 digit number में हमें difference बताना ही क्या है. तो पहले हम तो numbers लिख लेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि उसका क्या difference होता है. ठीक है
चलिए पहले हम ये लिखेंगे द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ फाइव डिजिट. द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ फाइव डिजिट क्या होगा? हाँ, ग्रेटेस्ट फाइव डिजिट नंबर विल बी, ऐसे लिख लीजिए, ग्रेटेस्ट फाइव डिजिट नंबर इज व्हाट? इट इज 95 टाइम्स. 1, 10, 100, 1000, 10,000. Then the next part is the smallest number of six digit. Smallest number of six digit क्या होगा यहाँ पर लिख लेते हैं. Smallest six digits number. Smallest six digit number क्या होगा? एक one और बाकी के five. बाकी के जो भी five होंगे ना वो सारे zero. ये आपका smallest six digit number है. ठीक है, तो इसमें difference क्या है? This is 1 lakh and this is 99,999. If you subtract, you'll find that there is a difference of just one. The difference is one. So your final answer will be the difference, जो कि आपको पूछा गया है, the difference between the two is one. The difference is one. You may subtract and you may see that the answer will be 1. With this question, we have completed our worksheet number 2. In next video, we'll be meeting and we'll be doing worksheet number 3. Bye everyone and take care.